हम मान के चलिए कि हम मेरा जाति भूमिहार है और भूमिहार में ही केवल हम विकास करें तो पूरे पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा काम नहीं किए थे, लेकिन मुखिया खूब अच्छा काम किए हैं, नल जल भी दिए हैं, पक्का तो बना ही दिए, मट्टी का दरअसल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी बिहार न्यूज, मैं हूं आपके साथ हेमलता। अभी हम जहानाबाद जिले के मकरपुर पंचायत के नेर ग्राम में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पे कुछ जनता भी मौजूद है, उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि मुखिया ने क्या कुछ विकास किया है और क्या कुछ मुहैया करवाया है इस पंचायत में। तो आइए उनसे जानते हैं मुखिया के द्वारा क्या क्या विकास। नल जल हुआ है, नाली बना है और नल जल में रिपेयरिंग का काम बाकी है, अभी रिपेयरिंग नहीं हुआ है लेकिन काम हो गया। द्वारा क्या क्या विकास मुखिया के विकास तो देखिए रहे हैं सब, माने रास्ता फास्ता नली गली ढलाई ये सब कुछ हो गया है, सब कुछ तो यहाँ हो, यहाँ तो करीब करीब पूरे गांव में हो गया है। अच्छा सर, कोरोना काल चल रहा है तो इसमें सैनिटाइज वगैरह या फिर मास्क वगैरह वितरण हुआ है? हाँ, हुआ है करीब एक सप्ताह दिन पहले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस पंचायत का जो भी कार्य वगैरह सब कुछ अच्छे से करवाया गया है, यहाँ पे ढलैया वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया है। अच्छा, मुखिया के द्वारा क्या क्या मिला है? मिला है, बहुत सी मिला है, सब पका बहुत गए हैं, सब ये हुआ है, विकास हुआ है पहले? हाँ, बहुत विकास हुआ है, बहुत हुआ, बहुत हुआ। अच्छा मुखिया जी, फेल या पास? पास। गली नली जल लाइन उन सब दिए, सब कुछ दे दिए, सब कुछ। पहले वाले मुखिया किए थे? पहले वाला मुखिया कुछ नहीं किए थे, सारा पैसा खा गए, सारा पैसा खा गए। ये मुखिया किए विकास? ये मुखिया किए हैं विकास। अच्छा मुखिया फेल या पास? मुखिया पास। पास, पास। इनका नाम हुआ सानिया कुमारी। यहाँ पे स्वास्थ्य वगैरह का क्या हाल है? सब ठीक ठाक है, बगल में हॉस्पिटल है, सब कुछ अच्छे से है। हाँ तो यहाँ पे मास्क वगैरह वितरण हुआ है? हाँ सब मिला है, यहाँ मास्क, चार चार मास्क सबको मिला है। क्या क्या विकास हुआ? नल वगैरह लगवाया? हाँ लगवाया गया है। ढलैया वगैरह हुआ? हाँ हुआ है। अच्छा इंदिरा आवास वगैरह मिला है? हाँ मिला है। सब नहीं नहीं तक तो इनके ऐसे कोई मुखिया भी, मैं तो बहुत दिन के हैं, 80 बरस 85 उम्र जो है, जब से मैं आया है तो मुखिया कितने अपने खुद मुखिया थे हमारे पिताजी, लेकिन ऐसा काम नहीं किए थे। लेकिन मुखिया खूब अच्छा काम किए हैं, नल जल भी दिए हैं, पक्का तो बना ही दिए, मट्टी का दरअसल नहीं है, पहले तो मट्टी में इतना पानी रहता था, अब मट्टी का दरअसल नहीं है, अच्छा काम किए हैं ये तो हम खुद कहेंगे। वृद्धा पेंशन हमको तो पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन में बहू की मिल रही है, वृद्धा पेंशन विधवा है वो, उसको मिल रही है, एगो बहू है तो फिर उसको बन नहीं हुआ है, हम तो पेंशन धारी हैं। सब कुछ यहाँ पे हाँ, हमको सब कुछ है। अच्छा मुखिया जी फेल या पास? पास है, पास है, कह रहे हैं तो 50 बरस तो पहले हमको मुखिया थे अपना पिताजी, वो चाचा जी, वो कुछ न किए थे लेकिन किए हैं। क्या नाम हुआ मुखिया का? मुखिया का रमान सिंह नाम था, जो अभी है, अभी मनीष शर्मा। हाँ अच्छा काम किया है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, किसी के लिए झूठ है, अपना बेटा के लिए भी झूठ नहीं बोलने वाली है, अगर यदि हमें कोर्ट कचहरी पर चढ़ा देगा तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुखिया जी काम किए हैं, अब इनको भाग के जब ऊपर दूसरी चीज है, काम किया है, विकास किए हैं, रास्ता बनाए हैं, नली बनाए हैं, गली बनाए हैं, सब साथ दे रहे हैं, मुखिया जी दे रहे हैं और दे रहे हैं साथ, मुखिया जी बहुत कुछ किया, मुखिया जी के बाद शिकायत करें। विकास किए हैं? हाँ विकास किए हैं, पहले के मुखिया तो कुछ करवे नहीं किया, इतना तो खाट गया है, हड़प गया है। अच्छा मुखिया फेल या पास? मुखिया फेल या पास? मुखिया पास हो तो फेल होगा। हाँ पास। इस बार इन्हीं को वोट कीजिएगा? वोट इन्हीं को कीजिएगा। हाँ इन्हीं को, हाँ इन्हीं को। क्या क्या विकास? मुखिया तो जितना कर दिए जो इतवार को जिंदगी हो गया, उतना कोई मुखिया न किया, राशन कार्ड बना दिया, गलिए गलिए खरंजा ढलैया पीस से किए, आपका किए, लॉकडाउन में माँ सब राशन बटवावे किए, सब कुछ बटवाया, मतलब गांव को संपूर्ण हो, हमने के यही मुखिया के छोड़ के दूसरा के नहीं लेना है, इसी में तोड़ दिया इसका, हमारा घर में पाज है, सरकार तोड़ा, हमारा अपना निजी जमीन था, पैसा नहीं मिला है, अभी हम लोग घर कहाँ, क्यों तोड़ा, रोड बनाने के लिए 4 लाइन में 6 लाइन जो बन रहा है इसी में सरकार तोड़ा, न उचित मुआवजा हम लोग का मिला सर, कुछ नहीं मिला हम लोग का, हम लोग राशन वगैरह मिलता है कि नहीं? राशन वगैरह तो 1-2 महीना से मिल रहा है, अथी में समूह में जुटे हुए हैं, तब हमने के राशनों कार्ड राशनों ने हमरा दिया ना, हमरा 1 कट्ठा खेत है ना, हमरा राशन दे ना, हमारे घर टूट गया से 1 रुपया दे के, घर में काज है, हमारा ससुर देहांत हो गया है, हम तो बोला था यो बाबू हमरा को हाय है तू मास्टर तो बेचारा चल गल तू है चाहे अभी मान ली दो अभी मान ली दो कुछ नहीं मिल रहा। हां जी जैसे पूर्व दिल्ली से इसका जमीन जगह का पैसा ही नहीं मिला, कागज में लेके जाइएगा जहानाबाद तो कह देगा इची बीमारी है, कभी कह देगा इची नहीं है, मैंने जो आदमी का ही होना चाहिए कि आदमी के पैसा कौड़ी मिल जाए तो अपना किसी तरह जाके कहीं एडजस्ट हो जाए, तो वो भी नहीं हो पाया, मैंने अधिकतर मर गया है बैर बीमारी से नहीं, उससे ज्यादा मर गया तब के
घर द्वार से मैंने माथा तप के करकट से ये वगैरह से हाँ उसमें सब संतुष्ट है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो काम नहीं किया, सब जगह काम कर रहा है। पानी देना नल देना ये टूट गया है रोड रोड में तो ये अलग बात है, किसी से लाने उन्हें नहीं देना अलग बात है। लेकिन और जाके देखिए कि जगह जमीन तो देखे किया, इसका भी मिला हुआ है जगह जमीन, ऐसा नहीं है किसी सबका मिला हुआ है। कागज मिल गया है भी दो दो एक तीन तीन डिसमिल का कागज मिला हुआ है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि हमारा फला हर चीज़ मुखिया मुखिया वैसा बात नहीं है। जगह जमीन मिला हुआ है तो सबका हाँ सारा कुछ बना है, गली नली पानी ढलैया वगैरह गली का सारा चीज़ हो गया है। तो मुखिया जी अच्छा काम किए हैं, और जो अभी कोरोना में मास्क वितरण हो रहा है वो भी सभी घर में सभी सदस्य का मिल गया है। अच्छा मुखिया जी फेल नहीं पास हैं, अगले बार भी यही रहे, अगले बार भी यही हाँ। खाजा एक महीना से जितने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो ये मुखिया जी ने खुद अपनी जिम्मेदारी ली थी और खुद घर भी आकर एक परिवार के जैसा मतलब भरोसा जताया था, और उनको हॉस्पिटल ऐसे मैनेज करवाए थे, ऑक्सीजन दिलवाए थे, मास्क भी बटवाए हैं, यहाँ तक कि साबुन सैनिटाइजर भी अपने से करवाया था, यहाँ तक कि मशीन जो गाड़ी रहती है सैनिटाइज करने वाले वो भी यहाँ पर से आए थे और पूरे चारों घर में छिड़काव हुआ था। और इससे पहले जो मुखिया थे कुछ काम नहीं किए थे, कुछ किए होंगे अपने गाँव में किए। मुखिया में आपके मुखिया में क्या है ना, आपका मुखिया में अंतर है, बहुत अंतर। हाँ क्या क्या विकास? नली गली से बनाए हैं, मतलब राशन कार्ड बना है, सब कुछ बना है। हाँ वृद्धा पेंशन बना है। अच्छा मुखिया फेल या पास? एक तकलीफ है, एक कॉलोनी नहीं मिला ऐसे देख लीजिए। अच्छा। यही नीलंग में है। शर्मा जी मौजूद है जो इस पंचायत के मुखिया हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत ये जानकारी मिली है हमें कि यहाँ के जो मुखिया बहुत अच्छा काम किए, तो हमने सोचा कि मुखिया का एक बार बात करके पूछते हैं। धन्यवाद हमारे। धन्यवाद सर। यहाँ की जो जनता है आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ पहले की अपेक्षा, अब की अपेक्षा में। बिल्कुल, हम लोग 2016 में यहाँ चुनाव हुआ, हम लोग निर्वाचित होकर आए, और जब हम लोग निर्वाचित होकर आए तो एक ही काम था कि यह पंचायत विकास के मामले में काफ़ी स्लो था यहाँ का विकास, और हम आए तो एक रणनीति के तहत यहाँ पर हर गली में चाहे वो किसी बिरादरी का हो वहाँ पर प्रयास किए कि यहाँ पर कच्ची से पक्की सड़क, गली में नाली हो, और जनरल जो भी सरकार का व्यवस्था था हमने इस पंचायत के हर कौम में 80% का गली नली बना दिए हैं। जबकि पहले जब हम यहाँ पदभार लेने के लिए यहाँ पर हम जीते तो 10-15% यहाँ बना था, हमने 75-80% यहाँ काम किया है, और मेरा लक्ष्य था कि हम 100% काम करें, लेकिन 1.5 साल से कोरोना काल में एक काम नहीं हुआ, हमने फिर भी जितना बना अपना इफेक्ट यहाँ पर दिए हैं, सारे जनता को प्रयास किए हैं कि एक साथ विकास में ले चलें, मेरा प्रयास यही रहा है और ऐसे आप लोग देख भी रहे हैं। सर जनता कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, और अगले बार जो आप खड़े होइएगा तो आपको जनता जिताना चाहती है, तो आप उनकी उम्मीद पर खड़े उतरिएगा या नहीं? हाँ बिल्कुल, मेरा एक ही नारा है कि हम अगर फिर से चुनाव में आते हैं और जीतते हैं तो पूरे पंचायत में एक फीट भी ऐसा जगह नहीं रहेगा जो कच्चा रहेगा, सारा जगह को पक्का कर दिया जाएगा, PCC फेवर ब्लॉक या नाली से सभी जनता को उपहार के स्वरूप, ये मेरा लक्ष्य है, और आगे हम लोग कर्म अपना कर रहे हैं, अगर जीतते हैं तो ये काम हम लोग करें। बहुत सारे पंचायत में हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ से हम लोग को मिलता है कि कोई भी मुखिया काम नहीं करवाए, और जाति वर्ग को देख रहे हैं कि ये वो जात के हैं तो हम काम नहीं करवाएंगे, तो इस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं और ग्राम जो पंचायत है या मुखिया है? नहीं ऐसे तो राजनीतिक और विकास में कोई जात से तो काम चलेगा नहीं। अगर मान लेते हैं, हम मान के चलिए कि हम मेरा जाति भूमिहार है, और भूमिहार में ही केवल हम विकास करें तो पूरे पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा, और किसी को ऐसा है तो संकीर्ण दिमाग क्यों है, ऐसा नहीं है। हम तो मेरा यही काम है और सपना है कि हम 80% जो काम किए वो समाज के हर तबके में किए, और अगर हम जीत के आते हैं तो इस पंचायत में एक फीट भी नहीं रहेगा, तो इस सारे लोग का विकास हुआ, जब सारे लोग का विकास होगा तभी पंचायत का विकास होगा, यही मेरा सोचना है। वैसे लोग कहते हैं कि हम जात के करेंगे तो आगे सफल नहीं होंगे और पंचायत को अपना विकास नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि इस गांव की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यहां के जो मुखिया है बहुत ज़्यादा विकास की है, तो बने रहे हमारे साथ, हम AGTV बिहार की न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें, और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉल करें ताकि हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं। धन्यवाद।